नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, समूचे असम से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम शीघ्र हटाया जाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने गैर सरकारी संगठनों और बिचौलियों द्वारा विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के मामले में दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक में 40 स्थानों पर छापे मारे। पंजाब पुलिस खुफिया मुख्यालय पर हमले में इस्तेमाल रॉकेट संचालित ग्रेनेड लॉन्चर बरामद। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक ने दिल्ली की अदालत में आतंकी गतिविधियों के आरोप स्वीकार किए। मौसम विभाग ने आसानी चक्रवात के आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ने का रेड अलर्ट जारी किया। सुविख्यात संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का अंतिम संस्कार आज दोपहर बाद मुंबई में किया जाएगा। भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में। श्रीलंका में उग्र होते विरोध प्रदर्शनों के कारण देखते ही गोली मारने का आदेश जारी। भारत की नीतू इस्तांबुल में आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता के दूसरे राउंड में। और गुजरात टाइटंस आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स को 62 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाने वाली पहली टीम। समाचार प्रभात में मुनीश शर्मा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है और इस उत्सव को एक जनोत्सव बनाने के लिए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का प्रसारण भी कर रहा है। कल अमृत महोत्सव में हमारा सवाल था, आंध्र प्रदेश के उस लोकप्रिय गायक का नाम बताइए जिन्हें अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने पर गिरफ्तार किया था और 1970 में इस गायक को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और प्रश्न का सही उत्तर है घंटाशाला वेंकटेश्वर राव। उन्होंने अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। बताया जाता है कि अपनी दिव्य शक्तियों के बल पर वो अपने गीतों से लोगों का हृदय आंदोलित कर देते थे। हर गीत के लिए 3 महीने के कारावास के आधार पर उन्होंने अलीपुर और बेल्लारी जेल में 18 महीने की सजा काटी। सरकार ने वर्ष 2003 में उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। आकाशवाणी समाचार को दुनिया भर के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है, लेकिन भाग्यशाली विजेता हैं मोहाली पंजाब के हरजीत सिंह पाहवा। अमृत महोत्सव क्विज का अगला सवाल सोमवार 16 मई को पूछा जाएगा। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के समारोह में आप भी शामिल होइए। और अब समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जल्दी ही पूरे असम से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम हटा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्ष में राज्य की बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति और उग्रवादी गुटों के साथ शांति समझौते को देखते हुए पहले ही ये अधिनियम आंशिक रूप से हटाया जा चुका है। अब सपा हमेशा के लिए आम जनता का विरोध का कारण रहता था। नागालैंड, असम, मणिपुर सशस्त्र विशेष बल अधिकार अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्रों में हाल में ही कम करने का काम किया है। लगभग 1990 से असम के अंदर अब सपा लागू था, लगातार 60 बार इसको बढ़ाया गया और आज कहने में मुझे गर्व है कि मोदी जी के 8 साल के शासन के बाद स्थिति ऐसी हुई है
कि असम के 23 जिलों में से अब सपा को पूर्ण रूप से उठाने का काम हो गया है, एक रूप में आंशिक रूप से हटा दिया गया है। असम के 60% से ज्यादा हिस्से पर से आज अब सपा हम हटा पाए। गृहमंत्री अमित शाह कल गुवाहाटी में असम पुलिस को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बोडो और कार्बी आंगलांग उग्रवादी गुटों के साथ शांति समझौतों पर हस्ताक्षर के बाद 9,000 से अधिक उग्रवादी हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हुए हैं और उन्होंने असम को उग्रवाद और आतंकवाद से मुक्त करने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले यहाँ पर आतंकवाद आंदोलन बंद बम धमाके गोलीबारी युवाओं के मृत्यु से एक घसीट प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 6 साल चली, पहले सर्वानंद जी के नेतृत्व में, अब हेमंत शर्मा के नेतृत्व में। ये 6 साल के अंदर आंदोलन हिंसा आतंकवाद की जगह शांति विकास स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रशस्त हुआ है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, उनके बिचौलियों और गृह मंत्रालय के कर्मचारियों से संबंधित 24 स्थानों पर छापे मारे हैं। विदेशों से प्राप्त धन संबंधी नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में ये कार्रवाई की गई है। दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोयम्बतूर, मैसूर और राजस्थान के कुछ स्थानों पर कल ये छापे मारे गए। सीबीआई ने बताया कि अभी तक छापामारी से 2 करोड़ रुपए मूल्य के हवाला लेन देन का पता लगा है और यह पाया गया है कि गृह मंत्रालय के कई कर्मचारियों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों और बिचौलियों ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करते हुए बाहर से मिले दान के सिलसिले में पैसों का लेन देन किया। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मोहाली में पंजाब पुलिस खुफिया मुख्यालय में ग्रेनेड हमले में इस्तेमाल रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर बरामद कर लिया गया है। मोहाली पुलिस ने बताया कि पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ के आधार पर सोमवार शाम किए गए हमले में इस्तेमाल लॉन्चर बरामद किया गया। पुलिस को इसमें पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा से जुड़े खालिस्तानी उग्रवादी गुट के सदस्यों की भूमिका का पता चला है। इस बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि पंजाब की सुरक्षा के लिए अनुभवहीन आम आदमी पार्टी सरकार को केंद्र और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के साथ तालमेल रखना चाहिए। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक ने दिल्ली की एक अदालत में आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने से जुड़े मामले में तमाम आरोप स्वीकार कर लिए हैं। ये मामला वर्ष 2017 में कश्मीर घाटी में गड़बड़ी फैलाने से जुड़ा है। मलिक ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए आरोप स्वीकार किए हैं। अन्य कश्मीरी अलगाववादी नेताओं पर भी आरोप लगाए गए थे। इनमें फारूक अहमद दार उर्फ बिट्टा कराटे, शब्बीर शाह और मसरत आलम तथा कुछ अन्य शामिल हैं। इस मामले में आतंकी गुट लश्कर ए तैयबा के सरगना हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाउद्दीन पर भी आरोप पत्र दायर किए गए हैं। इस्लामिक स्टेट की मदद से लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों द्वारा जम्मू कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने के लिए आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियां चलाने के आरोपों में ये मामला दर्ज किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने देशद्रोह कानून के संबंध में पुनर्विचार की प्रक्रिया पूरी होने तक भविष्य में देशद्रोह मामलों के पंजीकरण को स्थगित रखे जाने के बारे में केंद्र की राय मांगी है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमणा, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा कि लंबित और भविष्य के देशद्रोह के मामलों के बारे में उसका क्या प्रस्ताव है। केंद्र ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124A की वैधता की फिर से जांच करने का फैसला किया है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो सरकार के साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि जब तक सरकार इस मुद्दे पर पुनर्विचार नहीं करती तब तक इस मुद्दे पर दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं।
आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, समूचे असम से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम शीघ्र हटाया जाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने गैर सरकारी संगठनों और बिचौलियों द्वारा विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के मामले में दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक में 40 जगहों पर छापे मारे हैं। पंजाब पुलिस खुफिया मुख्यालय पर हमले में इस्तेमाल हुआ रॉकेट संचालित ग्रेनेड लॉन्चर बरामद। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक ने दिल्ली की अदालत में आतंकी गतिविधियों के आरोप स्वीकार किए। मौसम विभाग ने असानी चक्रवात के आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ने का रेड अलर्ट जारी किया। सुविख्यात संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का अंतिम संस्कार आज दोपहर बाद मुंबई में किया जाएगा। भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। श्रीलंका में उग्र होते हुए विरोध प्रदर्शन की वजह से देखते ही गोली मारने के आदेश। भारत की नीतू इस्तांबुल में आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता के दूसरे राउंड में और गुजरात टाइटंस आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स को 62 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाने वाली पहली टीम। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है इंडियन हिस्ट्री। प्रश्न भेजने की अंतिम तारीख है 11 मई। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा ओमान के वाणिज्य उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्री कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। ओमान के वाणिज्य मंत्री के नेतृत्व में बहुक्षेत्रीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भारत की यात्रा पर है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने का अवसर मिलेगा। वित्त वर्ष 2021-22 में दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार में 82% की बढ़ोतरी हुई और ये 9.94 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। भारत श्रीलंका में लोकतंत्र, स्थिरता और आर्थिक सुधार का पूरा समर्थन करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति को ध्यान में रखते हुए इस साल श्रीलंका को 3.5 अरब डॉलर से अधिक की राशि प्रदान की। उन्होंने कहा कि भारत ने भोजन और दवा जैसी आवश्यक वस्तुएं भी श्रीलंका भेजी हैं। और इस बीच श्रीलंका में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के उग्र होने को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं को सार्वजनिक संपत्ति को लूटने या नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया है। पिछले कुछ दिनों के दौरान देशभर में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए हैं और प्रदर्शन स्थलों पर तैनात सुरक्षा बलों के साथ झड़पें बढ़ी हैं। प्रदर्शनकारी मंत्रियों और सांसदों के घरों में आग लगा रहे हैं। सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंका के मोरातुआ शहर के मेयर और कई सांसदों के सरकारी आवासों को आग के हवाले कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और उनके परिजनों को त्रिंकुमारी नौसेना केंद्र भेज दिया गया है। सुविख्यात संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का अंतिम संस्कार आज दोपहर बाद मुंबई में किया जाएगा। 84 वर्षीय शिव कुमार शर्मा का कल मुंबई में निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक संदेश में कहा कि शिव कुमार शर्मा ने संतूर को वैश्विक स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई। उनका संगीत आगामी पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करता रहेगा। पंडित शिव कुमार शर्मा इस महीने की 15 तारीख को भोपाल में बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया के साथ जुगलबंदी प्रस्तुति देने वाले थे। शिव हरि की जोड़ी ने फिल्म सिलसिला, लम्हे और चांदनी सहित कई फिल्मों में भावपूर्ण संगीत दिया है। शिव कुमार शर्मा के पुत्र संतूर वादक रवि कुमार शर्मा ने कहा कि वे अपने संगीत में हमेशा जीवित रहेंगे।
पंडित शिव कुमार शर्मा मेरे गुरु भी थे और आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हिज म्यूजिक लिव्स ऑन। जिस तरीके से वो गए वो पीसफुल था और उन्होंने पूरी दुनिया को अपना संगीत दिया है, उनको शांति दी है अपने म्यूजिक के थ्रू, और जो संतूर के लिए जो उन्होंने किया है पूरे दुनिया भर में वो आज उसका नाम प्रचलित किया है। तो वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन अपने संगीत के द्वारा हमारे साथ हमेशा रहेंगे। देशभर में अब तक 190 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 12 लाख 7 हजार से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि अभी तक 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग में 4 करोड़ 15 लाख से अधिक टीके लगाए गए। अभी तक 3 करोड़ से अधिक एहतियाती डोज पात्र श्रेणी के लोगों को लगाई जा चुकी है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जम्मू कश्मीर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट देने का फैसला किया है। ये निर्णय उम्मीदवारों की मांगों और कई प्रतिनिधिमंडलों की उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ हुई बैठकों को ध्यान में रखकर लिया गया है। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष के स्थान पर 35 वर्ष होगी। आरक्षित श्रेणी और सेवारत उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 34 से बढ़ाकर 37 वर्ष कर दी गई है। दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 38 वर्ष होगी। बिहार में राज्य सरकार की आर्थिक अपराध इकाई ने बीपीएससी पेपर लीक मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वीर कुंवर सिंह कॉलेज आरा के प्राचार्य सह केंद्र अधीक्षक योगेंद्र प्रसाद सिंह और बरहडा खंड विकास अधिकारी जयवर्धन गुप्ता तथा इसी कॉलेज के व्याख्याता सह परीक्षा नियंत्रक सुशील कुमार सिंह और व्याख्याता सह केंद्र सहायक अगम कुमार सहाय गिरफ्तार किए गए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। गुजरात टाइटंस आईपीएल क्रिकेट के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। उसने कल रात पुणे में लखनऊ सुपर जायंट्स को 62 रन से हरा दिया। 12 मैचों में 18 अंक लेकर गुजरात प्लेऑफ में पहुंच गई है। लखनऊ सुपर जायंट्स 16 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। आज आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा दिल्ली कैपिटल से और ये मैच नवी मुंबई में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इस्तांबुल में आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की नीतू ने कल रोमानिया की स्टेलुता डुटा को 5-0 से हराकर 48 किलोग्राम वर्ग में दूसरे राउंड में प्रवेश किया। नीतू का मुकाबला शनिवार को स्पेन की लुपाज डेलेब्रोल से होगा। इससे पहले प्रतियोगिता के पहले दिन लवलीना बोरगोहाइन ने एक रोमांचक मुकाबले में 2 बार की विश्व चैंपियन चीनी ताइपे की चेन नियनचिन को हराकर अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में वापसी की। आज 4 भारतीय महिला मुक्केबाज विभिन्न प्रतियोगिताओं में शामिल होंगी। निखत जरीन 52 किलोग्राम वर्ग में, 57 किलोग्राम वर्ग में मनीषा, 63 किलोग्राम में परवीन और 75 किलोग्राम वर्ग में स्वीटी प्रतियोगिता के तीसरे दिन आज अपनी चुनौती की शुरुआत करेंगी। और अब एक आवश्यक सूचना, यदि आप खाद्य व्यवसायी हैं तो आपके पास FSSAI का लाइसेंस होना चाहिए या आप इसके साथ पंजीकृत होने चाहिए। लाइसेंस और पंजीकरण के लिए फॉस्कॉस के पोर्टल foscos.gov.in/visit करें या FSSAI हेल्पलाइन नंबर 1800112100 पर कॉल करें। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की ये विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी आसफ अली को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 11 मई 1888 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुआ था।
वो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली के पति थे। वो अमरीका में भारत के प्रथम राजदूत भी थे। आसफ अली ओडिशा के राज्यपाल भी रहे। आसफ अली 1920 के दशक के आरंभ में वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन में भाग लिया और अदालतों में राष्ट्रवादी नेताओं की सहायता करने के लिए अपने कानूनी कौशल का प्रयोग किया। अदालत में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों का बचाव आसफ अली ने ही किया था। ...1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आसफ अली को भी जेल की सजा मिली और उन्हें अहमदनगर किले की जेल में रखा गया। जेल से रिहा होने के बाद आसफ अली अगस्त 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेल मंत्री बनाए गए। रेल मंत्री के रूप में आसफ अली ने पहला काम ये किया कि रेलवे स्टेशनों पर हिंदू पानी और मुस्लिम पानी के रूप में पीने के पानी की अलग अलग व्यवस्था खत्म कर दी। व्यक्तिगत और राजनैतिक जीवन में आसफ अली धार्मिक भेदभाव समाप्त करने के पक्षधर रहे। महत्वपूर्ण राजनेता के रूप में भी आसफ अली का सम्मान किया जाता है। उन्हें 1948 और 1951 में दो बार ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उन्होंने स्वतंत्रता के उपरांत महत्वपूर्ण कूटनीतिक भूमिका निभाई और अमेरिका में प्रथम भारतीय राजदूत के रूप में काम किया। इसके बाद आसफ अली को स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। वहीं 2 अप्रैल 1953 को आसफ अली का निधन हो गया। आसफ अली को हमारा सादर नमन। हम क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी बसंत कुमार विश्वास को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वो 11 मई 1915 को वीर गति को प्राप्त हुए थे। वो महान राष्ट्रवादी देशभक्त रास बिहारी बोस से प्रेरित थे। विश्वास का जन्म 1892 में बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1907 में विश्वास ने पढ़ाई छोड़ दी और 1910 में उत्तरपाड़ा में स्वदेशी वस्त्रालय में नौकरी करने लगे, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के लिए वो नौकरी भी छोड़ दी। विश्वास क्रांतिकारी समूह में शामिल हो गए और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए सामग्री उपलब्ध कराने लगे। वे हरिदास बनकर रास बिहारी बोस के साथ देहरादून से लाहौर गए। बसंत कुमार विश्वास ने 23 दिसंबर 1912 को वॉयसराय हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना में भी भाग लिया। उस समय हार्डिंग दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने के अवसर पर आयोजित एक सरकारी जुलूस में दिल्ली के चांदनी चौक से गुजरने वाला था। वॉयसराय की हत्या का प्रयास असफल होने के बाद विश्वास ने दिल्ली छोड़ दी और बंगाल चले गए। वहां 26 फरवरी 1914 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। विश्वास पर वॉयसराय हार्डिंग की हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया। 11 मई 1915 को उन्हें फांसी दे दी गई। इस महान बलिदानी को शत शत नमन। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी मनीन्द्र नाथ उकील को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने 11 मई 1936 को अपने प्राणों की आहुति दी थी। मनीन्द्र नाथ का जन्म 1911 में ढाका में हुआ था। वे जुगांतर पार्टी के सदस्य थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण उन्हें 26 सितंबर 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में ही 11 मई 1936 को मनीन्द्र नाथ उकील का निधन हो गया। भारत माँ के इस महान सपूत मनीन्द्र नाथ उकील को शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ।
आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के कल के विजेता हैं हरजीत सिंह पाहवा। हरजीत सिंह पाहवा ने आकाशवाणी से बातचीत में अपने विचार कुछ यूं व्यक्त किए। इस समय मेरी आयु 70 साल से ऊपर की है और मैं ऑल इंडिया रेडियो पिछले 60 साल से सुनता आ रहा हूँ। जितना मनोरंजन मेरा ऑल इंडिया रेडियो ने किया है उतना शायद टीवी ने भी नहीं किया। मैं अमृत महोत्सव को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारा ज्ञान बढ़ाया है, भारत के उन नागरिकों के बारे में बताया है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन सबको मेरा नतमस्तक प्रणाम और अमृत महोत्सव को धन्यवाद मुझे चुनने के लिए। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने चक्रवात असानी के आंध्र प्रदेश तट की ओर पहुंचने को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। गुंटूर, कृष्णा, पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी और विशाखापत्तनम जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवात के आज शाम काकीनाडा और विशाखापत्तनम के तट पर किसी भी स्थान से गुजरने की आशंका है। मौसम विभाग ने मछुआरों को बृहस्पतिवार तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। उधर केरल में कल शाम हुई भारी बारिश के कारण त्रिशूरपुरम समारोह में आज तड़के 3 बजे होने वाला मुख्य आकर्षक आतिशबाजी कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। यह कार्यक्रम आज शाम 7 बजे होगा। इस बीच दिल्ली में मौसम साफ रहेगा। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर, जम्मू, लेह और गिलगित में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। मुजफ्फराबाद में बादल छाए रह सकते हैं। गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, आइजोल, कोहिमा और ईटानगर में बादल छाए रहेंगे। और अब मनीष, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी हां चंद्रिका जी, आज हम देखें अखबारों की सुर्खियां तो विभिन्न मुद्दों को अखबारों ने स्थान दिया है और गृहमंत्री के असम दौरे को खासतौर पर तमाम अखबारों ने विभिन्न शीर्षकों से अहमियत दी है। राष्ट्रीय सहारा कहता है गृहमंत्री ने कहा पूरे असम से जल्द ही हटेगा सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के इलाकों में समुद्री तूफान के असर और कुछ जगहों पर विमान की उड़ानें रद्द किए जाने की खबर नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर है। अखबारों ने विदेशी चंदे में गड़बड़ी को देखते हुए देशभर में करीब 40 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी को भी अपने शीर्षक में जगह दी है। और दैनिक भास्कर ने श्रीलंका के भीतर कलह और संघर्ष के सचित्र समाचार प्रकाशित किए हैं। कश्मीरी लोकवाद्य को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाले संतूर वादक शिव कुमार शर्मा के देहांत का समाचार उनकी संगीत यात्रा के वृत्तांत सहित आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। जनसत्ता ने स्वरंजलि शीर्षक से चित्र के नीचे लिखा है टूटा सुरों का सिलसिला शांत हुआ संतूर। और दैनिक भास्कर ने विशेष शीर्षक से आलेख में लिखा है जैसलमेर की रेत पर 50 डिग्री तापमान में बीएसएफ का जवान 6 घंटे पेट्रोलिंग ड्यूटी में मुस्तैद रहता है। हालात ऐसे होते हैं कि शरीर अंदर से सूखने लगता है, लेकिन खास बात यह है कि इन सीमाओं पर भारत की महिलाएं भी बराबर ड्यूटी करती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा समूचे असम से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम शीघ्र हटाया जाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने गैर सरकारी संगठनों और बिचौलियों द्वारा विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के मामले में दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक में 40 स्थानों पर छापे मारे। पंजाब पुलिस खुफिया मुख्यालय पर हमले में इस्तेमाल रॉकेट संचालित ग्रेनेड लॉन्चर बरामद। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक ने दिल्ली की अदालत में आतंकी गतिविधियों के आरोप स्वीकार किए। मौसम विभाग ने असानी चक्रवात के आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ने का रेड अलर्ट जारी किया। और भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।